तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हर वीडियो में मैं जब भी सर्च करता हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट, तो सब लोग कहते हैं कि SIP कर लो, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करो। बट यार, SIP करना एक बुरी बात नहीं है, फिर भी SIP नहीं करनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है कि SIP नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आप कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो कि मेरा देश ग्रो होगा तो इंडेक्स फंड भी ग्रो होगा, तो आप ये सेंसेक्स ग्रो होगा, ये Nifty 50 ग्रो होगा, तो मैं इसमें SIP कर लूँ तो मेरा पैसा भी ग्रो होगा। बट यार, वो SIP करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको इसमें मैक्सिमम रिटर्न लाने के लिए SIP के थ्रू, इसमें तुम यदि SIP कर रहे हो तो मैक्सिमम रिटर्न नहीं आएगा। बट मैं एक मेथड बताऊंगा, उसके थ्रू आप यदि ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, यदि आप लगा रहे हो 2,000 या 3,000 जो भी है, आप जितना भी चाहते हो, जैसे 500 रुपये ही लगाना चाहते हो, फिर भी वो SIP के थ्रू मत लगाइए, क्योंकि आप चाहते हो कि 3 तारीख को, हर 3 तारीख को मेरा 500 रुपया ये इंडेक्स फंड में लग जाए, तो यो यार गलत है। वैसा करोगे तो तुम कभी भी मैक्सिमम रिटर्न ला ही नहीं सकते हो, बस वही रिटर्न मिलेगा तुम्हें 12%, 13%। यदि आप 20% रिटर्न चाहते हो, 20%, 18%, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मैं जो मेथड बताऊंगा उसके थ्रू आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो एक ही साल में बहुत ज़्यादा तुम रिटर्न ला सकते हो भाई साहब। बहुत अच्छा मेथड है, मैंने बहुत सोच समझ के, और ये मेथड जो है वो बिगिनर के लिए, जिनको स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना है, केवल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, कि जैसे कि हमारा देश ग्रो हो तो मेरा ये पैसा भी ग्रो हो, तो वो बेस्ट है। और इसमें ज़्यादा पैसा डूबने की वो भी नहीं है कि पैसा तुम्हारा सारा डूब ही जाएगा, क्योंकि यार अपना देश है, इतना जल्दी तो क्या कहते हैं बैठ नहीं सकता ना। मेरा देश तो अभी ग्रो हो रहा है, अभी तो 5-6 साल तक का लगातार ग्रो होगा, और यदि मोदी सरकार आ गया तो और ज़्यादा ग्रो होगा। कोई भी सरकार आए, ग्रो तो होगा अपना देश, क्योंकि सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी शायद इतने सारे एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं जो देश को ग्रो कराएंगे, और नई नई आइडियाज़ आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, तो देश तो ग्रो होगा, तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। तो आपको करना क्या, वो मेथड है कैसे, कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। पहली बात, जो आप 3,000 रुपये, यदि मान लो कि आप 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक किसी भी बैंक अकाउंट में, कोई भी बैंक में जाकर एक बैंक अकाउंट खुलवाइए, और उसमें आप 3,000 रुपया, जैसे कि आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1,000, 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो 3,000 रुपया पर मंथ डालिए। जैसे आप तीन तारीख को SIP करना चाहते हो तो 3 तारीख को ही उसमें ऐसे पैसा डाल दीजिए। और आपको वेट करना है कि आपको ऐसे रोज एक दिन शाम को आकर 1 मिनट के लिए, आपको जो मैं अभी चार्ट को, ये जो हमारा चार्ट है Nifty 50 का, मैं Nifty 50 खोल लेता हूँ, ये जो मेरा Nifty 50 का चार्ट है, ये Nifty 50 को लिखा, इस चार्ट को देख लेना है कि आप आज इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं। और इसमें आपको दो इंडिकेटर लगा देना, वो कौन सा इंडिकेटर है, आपको इधर सर्च करना है मूविंग एवरेज, ऐसे लिखना है इधर, इस पे आना, ये देख लेना, ये और इस पे आकर ये आपको लिखना है मूविंग, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर दूंगा, ये मूविंग एवरेज। और इस मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद आपको इधर क्या करना है, जो इसका पीरियड है ये चेंज कर देना है, इसको कर देना 44, और इसका मैं कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज कर लेना, सब कुछ और ऐसे ही रहने देना, आप ये सेटिंग सारा देख लो, बस ये खाली पीरियड आपको चेंज करना है, और इसका यदि आप कलर चेंज करना चाहते तो कलर भी चेंज कर देना, और फिर इस पे डन पे क्लिक कर देना, तो आपका ये मूविंग एवरेज आ जाएगा। एक मूविंग एवरेज ये आ गया, एक और आपको ऐड करना है, वो मैंने 44 दिन का मूविंग एवरेज ऐड किया था, अब एक आपको क्या कहते हैं 20 तूतना, आपको एक मूविंग एवरेज इधर, ये एक सेकंड, ये नीचे इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऐड हो गया, एक सेकंड थोड़ा सा ये भी हटा देता हूँ, ये थोड़ा आपको अच्छे से दिखाई, एक मूविंग एवरेज और ऐड करना है आपको। करना क्या है, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है, और एक ये ऐड करना है तुम्हें 200 डेज के लिए, और इसका कलर आपको ग्रीन कर देना, कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, मैं लाइक ये ग्रीन कर दे रहा हूँ, और डन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। मैंने पहले से ऐड कर रखा था, फिर उस पर ये ओवरराइड कर रहा है, तो अब आपको करना है, ये दोनों आप ऐड कर दिए तो ये अच्छे से देख लेना, आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करना, फिर इधर सर्च करना है या मूवी ING लिखें या नज लिखें, यह आ जाएगा मूविंग एवरेज, इस पर क्लिक करके आप जो मैंने बताया वो कर लें। फिर उसके बाद आपको वेट करना है, जैसे अभी देख रहे हो मार्केट कहाँ है, ये जो हमारा ये मूविंग एवरेज है 44 वाला, जो 44 मूविंग एवरेज है, अभी मार्केट ऊपर है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं इधर आपको इधर इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक देखो कितना थोड़ा टाइम बाद मिलेगा इन्वेस्ट करने का मौका, बट यदि आप इधर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रिटर्न मिलेगा आपको, और अब फिर इधर आपको इन्वेस्ट करना है, जब ये 44 के नीचे आए, 44 मूविंग एवरेज के नीचे आए, 44 मूविंग एवरेज के नीचे आए, तो आपको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्ट करने का। मान लीजिए एक मंथ में आपको एक बार मौका मिला, हो सकता है कि आपको 2-3 मंथ मिले ही ना मौका। जैसे कि इधर देखो फरवरी से मार्च तक, फरवरी के बाद ये इधर बीच में मिला मौका, फिर मार्च
तक मार्च में नहीं मिला, फिर अप्रैल में जाकर आपको मौका मिला, तो मार्च में आपको मौका ही नहीं मिला इन्वेस्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने बोला था एक अलग अकाउंट आप ओपन कर लें, उसमें आप हर मंथली 3,000 रुपया 2,000 रुपया जितना इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको डालें, और जब ये कैंडल नीचे आए, ये 44 मूविंग एवरेज के नीचे आए तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे आपको बहुत ज़्यादा, अब इधर देखिए जब ये नवंबर में तो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए था, इतना मौका मिला था, तो आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है। तो इससे आपको क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आपको और ज़्यादा, जितने ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ये आप आए हुए हैं कि सबसे ज़्यादा कम रुपए में ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा भाई थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप SIP करते जाएं बस, चाहे स्टॉक का प्राइस इधर या इंडेक्स फंड का जो वैल्यू है इधर हो, मान लो कि इधर बहुत ज़्यादा हो, अब तुम इधर इन्वेस्ट कर दे रहे हो, जब इधर इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें कम मिलेगा, और जब नीचे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा ना यार। अब तुम इस ऊपर इन्वेस्ट कर दिए 3,000 रुपया तो उसमें तुम्हें बहुत कम क्वांटिटी मिलेगा, और इधर नीचे आप इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, और एक चीज़ नोट करना, जो ये ग्रीन वाला आप लाइन बना रखे हो, जब ग्रीन के नीचे आए तो वो आप मान लेना कि ये रामबाड़ है, सोने पे सुहागा हो गया। इसमें आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जितना आपके पैसा हो, ये नहीं घर बेच के लगा दो, बट आप 3,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप उसे 6,000 कर दो। अब देखो इधर कितना मौका मिला था, एक सेकंड में थोड़ा और इसको जूम करता हूँ। अब ये एक सेकंड, ये यार थोड़ा, अब ये देखो ये ग्रीन वाले से जब नीचे आए तो ये इन्वेस्ट करने, इधर तो आपको 6,000 इन्वेस्ट करना चाहिए था, और 6,000 और 6,000 इन्वेस्ट करना चाहिए। इस मौका का वेट करो। अभी यदि कोई ये मेथड फॉलो करता तो कोरोना काल में, ये देखो भाई 2020 कोरोना काल में इधर कितना, आप तो चाहते बहुत ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट कर सकते थे भाई साहब, कम से कम नहीं तो 10,000 इन्वेस्ट कर सकते थे, 10,000 20,000। मैं छोटे लोगों का बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ज़्यादा अभी तो स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं कम ही इन्वेस्ट करता हूँ, बट आगे चल के मैं भी ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी मेरा सैलरी थोड़ा कम है, तो जिससे जैसे पैसा मेरा सैलरी बढ़ता जाएगा मैं इन्वेस्ट ज़्यादा करूँगा। बाकी मैंने जो ये मेथड देखा ना बहुत अच्छा है, इससे निफ्टी 50 में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और मैंने इसको ये देखो मैं हिस्ट्री देखता हूँ 2018-20, देख लो जब भी मौका मिले तो, जब ये ग्रीन वाले जो 40 यह है, और यदि तुम कम चाहते हो इन्वेस्ट करना तो ये क्या तुम्हारा पीरियड है एक दिन का ना, तुम वीकली कर लो, और ये तो और बेस्ट है उनके लिए जो ज़्यादा चार्ट देखना नहीं चाहते हैं, कम चार्ट देखना चाहते हैं। भाई साहब अब देखो तुम्हें रोज रोज इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, रोज रोज ये तुम्हें एक ये मौका मिला था अप्रैल 2023 में मौका मिला था इधर इन्वेस्ट करते, तुम कम से कम 5,000-10,000 इन्वेस्ट कर दो, सारा जो पैसा बचा के रखे थे वो सारा इन्वेस्ट कर देते। फिर ये इधर मौका मिला था इन्वेस्ट करने के लिए, इधर मिला था मौका जब वीकली, इस टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में तुम्हें थोड़ा कम मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने, बट तुम यार अपना मंथली वाला जो पैसा है वो आप दूसरे बैंक अकाउंट में रखे रहोगे 3,000-3,000 रुपया सेव करके, जब तुम्हें मौका मिले तो एक ही लागे इधर खरीद लो सारा स्लॉट। तो इसमें ये देखो, अब इसमें देखो कोरोना में कितना फ़ायदा होता भाई साहब, इसमें तो सोने पे सुहागा। और जब यदि तुम वीकली टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये 44 मूविंग एवरेज के नीचे, वो क्या कहते हैं सॉरी इसके क्या 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तब तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा, इधर तो और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको इस तरह का मौका मिलता है। देख लो एक ही बार मिला है, 2020 में मिला है, और इधर 2016 में मौका मिला है, फिर इधर देखा जाए तो मान सकते हो 2023 में मौका मिला है, और इधर मान सकते हो कि 2008-08 में मौका मिला है, 8-08 में। तो देख रहे हो बहुत कम मौका मिलता है भाई, जब तुम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, जिनको भाई थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा नीचे आने के लिए, और जब ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करना है, जब वीकली टाइम फ्रेम में देखना है और 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो तो ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट करना है, और वीकली में ही देख रहे हो और यदि 44 मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा कम ही इन्वेस्ट करो, बट इन्वेस्ट करो, इसमें भी इन्वेस्ट करने का मौका रहता है। ऐसे तुम्हें वीकली में लगाना है तो वीकली में लगा लो, मंथली में लगाना है तो मंथली में लगा लो, और जिनको जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करना है तो वो इसमें लगा सकते हैं, क्या कहते हैं मंडे वाले टाइम फ्रेम में। तो ये कितना बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है भाई, और इसमें पैसा डूबने की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैंने ये निफ्टी 20 होता है इसमें, ये नहीं तुम देखो कि मैं एक स्टॉक खरीदने पर, तो निफ्टी 50 है, तुम्हें निफ्टी 20 ऐसे सर्च कर लेना है, इधर ऐसे सर्च कर लोगे निफ्टी 20 वो आ जाएगा, ये देख लेना आप, नोट कर लेना। और इसमें देख रहे हो निफ्टी 20 ये उसी को फॉलो करता है सेम, तो ये इसका एक लॉट खरीद, तुम एक खरीद सकते हो, दो खरीद सकते हो, जितना खरीदना हो जितना खरीद सकते हो। अब इसका खरीदने के लिए आप बाय सीधे बाय पे क्लिक करो, जितना क्वांटिटी खरीदना खरीद लो, मान लिया अभी तुम्हें 10 क्वांटिटी आज खरीदना है, 10 खरीदोगे 2,500-8 रुपया पड़ेगा, 2 रुपया चार्ज लगेगा, बाय पे क्लिक कर दो। अब ये देखो 250 रुपया कुछ पैसा दिखा रहा है, उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो 2,580 रुपया हो जाएगा, ये इधर दिखा रहा है 2,580 रुपया, फिर उधर 40-40 पैसा। तो बहुत ही आसान है ये, SIP से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सब लोग बोलते हैं इंडेक्स फंड में SIP कर लो, SIP करना बुरी बात नहीं है, बट आपको स्मार्ट बनना है, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है तो थोड़ा
एडवांस सोचना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं कि बस SIP करो तो SIP करते रह जाओगे, वही बढ़ोतरी में अमीर बन पाओगे, तो बढ़ोतरी में अमीर थोड़ी ना बनना है यार। 2030 में बनना है, 24 साल का हूँ, 2030 में बनना है, 6 साल का मैं वो लेकर चल रहा हूँ कि 6 साल के अंदर तो 1 करोड़ रुपया तो कमा ही लूंगा। मैं ज्यादा फेंकता नहीं हूँ क्योंकि 1 करोड़ रुपया हमारे सबके लिए बहुत होता है। 6 साल, मुझे कोई बोले कि 6 साल बाद तुम्हारे पास 1 करोड़ हो जाएगा, मैं ऑटोमेटिक खुशी खुशी हो रहूंगा, क्योंकि यार सब लोग दिखाते हैं, रियल में किसी के पास कुछ होता नहीं है, बस खाली दिखाते हैं सब लोग, बहुत कम ही लोग के पास होता है पैसा। इंस्टाग्राम देख के ज्यादा बुरा मत करो सब लोग, यदि रियल में पैसा कमाना है तो भाई अपने पे ध्यान दो और इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, तो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब मिलते हैं नई वीडियो में, और एक नया वीडियो में एक नया लॉजिक बताऊंगा, उसके थ्रू और भी आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो वो भी वीडियो देख लेना आप लोग।